नमस्कार। चीन के वुहान शहर से निकली कोविड 19 बीमारी जब वैश्विक महामारी के रूप में घोषित हो गई तो पूरे विश्व के साथ भारत भी अछूता न रहा। भारत के साथ साथ भोपाल में भी इसका असर भयानक था। द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस मध्य भारत में झीलों की नगरी भोपाल का प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान है। पूरी दुनिया जब वैश्विक महामारी कोविड 19 के कहर से जूझ रही थी, ऐसे में भोपाल शहर भी अछूता ना रहा। इस संकट भरी परिस्थितियों में आशा की उजली किरण बनकर जरूरतमंदों और कमजोर वर्ग का सहारा बनने के लिए BSSS ने प्रदेश सरकार के साथ मिलकर मानवीय सेवा और राहत कार्यों के लिए कदम बढ़ाए। राहत कार्य कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के चेयरमैन आर्च बिशप डॉक्टर लियो कॉर्नेलियो SVD ने किया। मुझे बहुत ही खुशी है कि BSS अनेक रीति से, विशेषकर हमारे युवा लोग, युवा युवतियां इस काम में जब अपने आप को ऑक्यूपाई होते हैं तो उसमें उनको तसल्ली होती है, आंतरिक खुशी होती है। दे आर कंटेंटेड, अदरवाइज देयर एनर्जीज दे वुड स्पेंड फॉर समथिंग व्हिच मे नॉट बी ऑफ सो मच यूज। द चैरिटी और जो मदद दूसरों के लिए होती है वह सबसे महत्वपूर्ण बात है, और हमारे युवा युवतियों को ये बात सीखना और इस प्रकार ओरिएंट होना बहुत ही आवश्यक है। कॉलेज के बच्चों को, कॉलेज के लड़के लड़कियों को यदि इस प्रकार का ओरिएंटेशन मिले तो आगे चलकर वे सचमुच में समाज के खंभे बन जाएंगे, समाज की मदद करेंगे, समाज की भलाई करेंगे। कोरोना वायरस का कहर और साथ में लॉकडाउन, गरीब दलित का हुआ बेहद बुरा हाल, फिर भी सभी की भूख कैसे मिटती, मन में आया कहीं ये अजीब अनोखा मंजर, भूख का विकृत रूप, जरूरतमंदों का समंदर, कोरोना को बौना न बना दे और हरा दे। प्रिंसिपल डॉक्टर फादर जॉन पीजे ने राहत कार्यों के लिए 9 सदस्यों की एक टास्क फोर्स टीम गठित की, जिसमें कॉलेज का सोशल वर्क डिपार्टमेंट, चाइल्ड लाइन नोडल और साथ ही कुछ सक्रिय कार्यकर्ताओं को शामिल किया। इस टास्क फोर्स टीम ने बागसेवनिया पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को भी सुरक्षात्मक उपायों से लैस कर कार्य की शुरुआत की। फॉर मी टू सर्व ह्यूमैनिटी इज माय कॉल, माय ओकेजन, माय मिशन एंड माय लाइफ। मिस्टर कमल, द BSSS चाइल्ड लाइन Nodal City Coordinator was out there in the field from day one, and he is a family man. Then I quizzed myself and asked if he could, why not we, the religious? BSSS Dev Aharam के माध्यम से हमने प्रवासी मजदूरों, झुग्गी वासियों और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन के पैकेट्स बनाने के लिए कॉलेज के ही पुष्पा गर्ल्स हॉस्टल में रसोई स्थापित की और औसतन प्रतिदिन 600 लोगों के लिए पौष्टिक भोजन बनाकर वितरित किया। हमारी वितरण गतिविधियां 2 अप्रैल 2020 से शुरू हुई। यह वितरण गतिविधि 20 अप्रैल 2020 को समाप्त की। कोरोना के संकट काल में लॉकडाउन के चलते प्रवासी श्रमिक बेहद परेशान थे। ऐसे में कॉलेज ने झुग्गी वासियों, प्रवासी मजदूरों और भोपाल शहर के आसपास अन्य जरूरतमंदों को अनाज के बैग्स बनाकर वितरण की योजना बनाई। खाद्यान्न का वितरण बिजनेस कॉलेज भोपाल की ओर से किया जा रहा है। जोन क्रमांक 14 नगर निगम भोपाल की ओर से बिजनेस कॉलेज भोपाल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। BSSS ने इस वितरण कार्य में आर्च डायसिस ऑफ भोपाल, DB ग्रुप, आर्च डायसिसन सोशल सर्विस सोसाइटी और मध्य प्रदेश समाज सेवा संस्थान जैसे विभिन्न एजेंसियों के साथ इस गतिविधि का संचालन किया। अब तक हम शहर में और आसपास के जरूरतमंदों को 1000 से अधिक ड्राई राशन किट वितरित कर चुके थे। आरजेडीएस भोपाल और BSS भोपाल ने जिस प्रकार से क्षेत्र की जनता की सेवा की है, उन
पीड़ित मानवता की सेवा की है, उन गरीबों की सेवा की है जो वास्तव में जरूरतमंद थे और इस महामारी में लॉकडाउन के चलते अपने अपने घरों में सिमट गए थे। जो ऐसे लोग जिनके घरों में रोज की कमाई से रोज खाना बनता था, ऐसे गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना, राशन उपलब्ध कराना और साथ ही साथ निगम प्रशासन के साथ मिलकर ऐसे लोगों की सहयोग करने का काम इन संस्थाओं ने किया है। जहां कोविड 19 ने पूरे विश्व को एकता के बंधन में बांधा, वहीं घरों में रहते हुए लोगों की मनोवैज्ञानिक परेशानियों और घरेलू हिंसा से ग्रसित होने की घटनाओं में खासी बढ़ोतरी हुई। यह देखते हुए कॉलेज ने मानसिक स्वास्थ्य के साथ मनोवैज्ञानिक समस्याओं से निजात पाने के लिए और छात्रों की भलाई के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन स्थापित की। परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्श प्रार्थी को अपने जीवन में निर्णय लेने में मदद मिलती है। ये निर्णय जो है वो अकादमिक हो सकते हैं, संवेगात्मक हो सकते हैं और अंतर व्यक्तिक भी हो सकते हैं। आज के इस कठिन दौर में भी छात्र हित को ध्यान में रखते हुए परामर्शदाताओं के साथ संपर्क साधने की सुविधा कॉलेज की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध है और इस प्रक्रिया के माध्यम से अनेकों छात्र और उनके अभिभावक इस पूरी प्रक्रिया से लाभान्वित होते रहे हैं। जो छात्र पीजी के रूप में रह रहे थे उनके लिए खास तौर से कॉलेज ने एक और सेवा केंद्र शुरू किया। अब तक इस सेवा से हमारे अनेक छात्र लाभान्वित हुए। BSSS रिदम ऑनलाइन इंटरनेशनल रेडियो नियमित प्रसारण के साथ श्रोताओं की दिनचर्या का अहम हिस्सा है। लॉकडाउन के दौरान अनेक कार्यक्रम प्रसारित होते रहे जिसमें खास तौर से COVID-19 पर कार्यक्रम प्रस्तुत हुए। यहाँ तक कि रिदम के माध्यम से कई मशहूर हस्तियों ने लॉकडाउन के दौरान अपने संदेश साझा किए। कॉलेज के NSS और NCC स्वयंसेवक सक्रिय रूप से अपने यूनिट बैनर के तहत कल्याणकारी गतिविधियों में कड़ी मेहनत से लगे रहे। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के निर्देशानुसार इन्होंने अपने कार्य को गति दी। इन स्वयं सेवकों ने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट में भी अभियान को पूरा करने में सहायता दी। हमारा चाइल्डलाइन नोडल शहर के बच्चों के लिए 24 घंटे सेवाएं प्रदान करता है। कॉलेज टीम के साथ यह टीम कई झुग्गी बस्तियों और कॉलोनियों तक अपने सहयोगियों के साथ मदद के लिए पहुंची। चाइल्डलाइन नोडल ने सभी सेवाओं के लिए भोपाल नगर निगम और पुलिस प्रशासन के साथ अच्छा तालमेल रखा, जो हमारी कार्यप्रणाली को सुगम बनाए रखने में बहुत सहयोगी रहा। हाईवे पे खड़े होकर उन्होंने जहां लोगों को पानी की बोतलें दी, वहीं साथ ही साथ मास्क बांटे, सैनिटाइजर्स दिए। इसी तरह हमारा BSSS ब्लड डोनर ग्रुप, ये हमारे गर्व का सच्चा प्रतीक है। संकट की विपरीत परिस्थितियों में यह ग्रुप पूरी तरह सक्रिय रहा। इन पर लॉकडाउन का कोई असर नहीं था। कैंसर हॉस्पिटल में मरीज भर्ती हो या शहर के समीप या दूरस्थ इलाकों में, इन्होंने पूरी सक्रियता से रात बेरात जाकर रक्तदान किया और लोगों का जीवन बचाया। साथ ही साथ कॉलेज प्रबंधन का बहुत सहयोग रहा। अपने कॉलेज के हर कर्मचारी को भावनात्मक और मानसिक तौर पर पूरी हिम्मत बंधाने का और आत्मविश्वास बढ़ाने का। समाज में किए गए अच्छे कार्य जब जनमानस के बीच पहुंचते हैं तो मिसाल बन जाते हैं और आम जनता प्रेरित होती है। दूरदर्शन मध्य प्रदेश ने BSSS COVID-19 राहत कार्य पर एक कार्यक्रम का प्रसारण किया जिसमें BSSS ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। ऐसे में डॉक्टर विनय मिश्रा और प्रोफेसर ओमन वर्गस ने कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया। BSSS टास्क फोर्स COVID-19 रिलीफ टीम ने उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत लिए गए जो गांव हैं, लोगों को स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता दी, उन्हें मास्क प्रदान किए और साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का महत्व समझाया। हम उन लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जो COVID-19 से संघर्ष करते हुए इस दुनिया में
नहीं रहे, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। कोविड 19 का सामना करने के लिए फ्रंट लाइन पर कार्य करने वाले हमारे नायकों, डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिस बल और मीडिया जन को हमारी तरफ से हार्दिक सम्मान और शुभकामनाएं।